दोस्तों, पेंटिंग की दुनिया में सब कुछ मुमकिन है जब आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ एक बेहतरीन तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो आप कम मेहनत में बहुत अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। क्या आप चाहते हैं कि ये सैक्सोफोन लगे जैसे कि सोने का बना हो? आप इसे जितना मुश्किल सोच रहे हैं उतना है नहीं। बस ध्यान दीजिए कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। हमारे सैक्सोफोन का लुक चेंज करने के लिए सबसे पहले एक पतले मार्कर से आउटलाइन ड्रॉ कीजिए, देखिए कुछ ऐसे। दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप ये बहुत अच्छे से कर सकते हैं, धीरे धीरे ही सही पर सफाई से करें। अंदर की कुछ डिटेल्स जो आपको जरूरी लगती हैं, उन्हें भी हाईलाइट कर दीजिए। अब हम ब्रश में काला पेंट लेंगे, पर जरा ध्यान दीजिए दोस्तों, टिप के सिर्फ एक साइड पर। अब इस पूरे ब्रश को पानी में डुबोइए और ये पेंटिंग के लिए तैयार है। आपको इसे ऐसे स्लाइड करना है ताकि पीछे इस तरह का इफेक्ट आए। आप देख रहे हैं ना कि कुछ जगह डार्क हैं और कुछ लाइट है, ना ये कमाल। सैक्सोफोन के मुड़े हुए हिस्से के लिए हम एक पतले पेंट ब्रश का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, आपको भी अच्छा लग रहा है ना? आखिर में एक और भी पतले पेंट ब्रश का इस्तेमाल करेंगे डिटेल देने के लिए, जैसे कि ये बेल और बटन्स। हमने सैक्सोफोन में कुछ जगहों पर हल्के एरियाज बना दिए, पर अभी इसमें मेटल की शाइन नहीं आई है। तो दोस्तों, अब मैं इसमें गोल्डन शाइन डालने वाला हूँ, क्योंकि ये सैक्सोफोन स्टेज पर अपनी धुन और चमक से धमाल मचाएगा। इसके लिए आपको चाहिए एक सफेद क्रेयॉन। सबसे पहले हम कुछ हल्की लाइन से इन हिस्सों को थोड़ा ब्राइट बनाएंगे। अब हम सफेद क्रेयॉन लगाएंगे उन हिस्सों में जहाँ हमने पहले काला रंग किया था। आपको ये करते हुए ज्यादा जोर नहीं लगाना है ताकि हमें ज्यादा ब्राइट लाइन ना मिले। मैं इसे थोड़ा सा यहाँ कर रहा हूँ और थोड़ा सा करूंगा बेल पर। ये कितना आसान है। अब अपनी उंगली से क्रेयॉन किए हुए हिस्सों को स्मच करें, यानी फैलाएं। अब वक्त है इसे और चमकदार बनाने का। ऐसा करने के लिए आपको अलग अलग डायरेक्शन में क्रॉस लाइंस बनानी होंगी, मानो कि ये कोई स्टार हो। इसके ऊपर एक ऐसा सर्कल बना दीजिए। अब और चमकीला इफेक्ट हम यहाँ पर भी देंगे। आखिर में एक कॉटन बड से स्पार्कल्स को थोड़ा फैला दीजिए। देखिए, जो पीला रंग हमने सबसे पहले किया था वो भी सोने की तरह कैसे चमक रहा है। अगर आपको लगे कि अभी भी उतना नहीं चमक रहा तो फिर से क्रेयॉन का इस्तेमाल कीजिए और कॉटन बड से इसको फैला दीजिए। जब तक मन चाहे चमक नहीं आ जाती, स्पार्कल्स पे काम करते रहिए। देखा, स्पार्कल ने जैसे सैक्सोफोन में जान डाल दी है। लग रहा है ना जैसे कि असली मेटल से बना सैक्सोफोन है। कितना सुंदर लग रहा है, जैसे अभी अभी किसी ने इसको पॉलिश किया है। जरा देखिए, ये सैक्सोफोन तो कैसे बदल गया है। सरस की चमक देखिए, है ना एकदम सोने जैसी। पहले से जमीन आसमान का फर्क है ना कमाल की तकनीक। आप इस तकनीक से दूसरे मेटल भी बना सकते हैं, जैसे ये वाला एग्जांपल देखिए। आप इसके बॉडी वर्क में भी थोड़ी सी शाइन दीजिए ताकि ये मेटालिक रेड लगे। और अब इनको भी देखिए, यहां मेरे पास है सिल्वर ट्रॉफी, यह है गोल्ड और यह है ब्रॉन्ज ट्रॉफी। अब आपको पता चल गया है ना कि विभिन्न प्रकार के मेटल यानी धातु कैसे बनाते हैं। तो चलिए, अब आप भी शुरू हो जाइए।